हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे जिसका नाम है अन अकेडमी नीट लाइव डेली, आपका अपना एजुकेशनल चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल, और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर सामने हूँ आज फिर आपके। और एक बेहतरीन सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं आज आपके साथ, दैट इज द मॉक टेस्ट सीरीज। कम दिन रह गए हैं नीट के एग्जाम को, है ना, तो इस समय पे ये भी जरूरी हो जाता है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा मिक्स्ड टाइप के। जब हम एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं ना, सपोज आपने लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस करने शुरू करें, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस करने शुरू करें, कॉकरोच के, तो फ्रेम ऑफ माइंड वही रहता है, एक क्वेश्चन के आसपास ही आप घूमते रहते हैं। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम आप मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, है ना, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हर तरह के। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी वैरायटी है, आप जानते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप, फिल इन द ब्लैंक टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। सो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए लेकर के आया हूं ये मॉक टेस्ट सीरीज। राउंड वन है आज, तो इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं स्क्रीन पर नजर जरूर डालना चाहूंगा कौन कौन से मेरे राजा बेटा एंड राजा बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते जी, रियासुद्दीन चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? रुखसार, हाउ आर यू? नुपुर, हर्षल, युक्ता, चंद्र प्रकाश, बुशरा, आदित्य, उमर फारूक, फैजान, मारिया, सीता, डॉली, ज्योति, प्रभात, वंडरफुल जी, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए, जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतना ज्यादा मजा आता है, बिकॉज आपको भी कॉन्फिडेंस बनता है कि इतने सारे लोग लाइव देख रहे थे और उनमें हमारा रैंक जो है वो बेहतर आया और कितने कम समय में हमने उस क्वेश्चन का जवाब दिया। जनरल सी बातें पहले कर लेते हैं जी, हम जानते हैं एक दूसरे को, फिर भी बता देता हूं, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर विद मोर देन 20 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और लाखों बच्चे मुझसे पढ़ के अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। अगला नंबर आपका है, इंडिया की बेहतरीन टीम आपको अनअकैडमी के इस चैनल पे पढ़ा रही है। टेलीग्राम का ये ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है, ये ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद tinyurl.com/neetlivechat आपको टाइप करना है, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनअकैडमी का ये नीट मोबाइल फीचर भी जरूर एक्सप्लोर कीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, जिसमें आपको सभी लेक्चर्स का एक कंप्लीट इंडेक्स एक ही जगह पे मिल जाता है। प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो हर मायने में प्लस है, जहां पे लाइव प्लस क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, क्विजेज हैं, इंडिया की बेहतरीन टीम से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। सो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, फिर सोचना क्यों है, सपने सच करने हैं तो हमारे साथ जुड़िए। क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं जी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे, सिंपल सा तरीका है कैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है जी। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे, रुखसार, आसिफ, किरण, सुजॉय, फैजान, सुमन, मिनती, उमर फारूक, निमिषा, राहुल, ओके जी। राहुल कह रहे हैं जी सर आप थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं आज। ग्रेट राहुल, चलिए जी, अनअकैडमी का लर्निंग आप अपने सेलफोन में इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी का आप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये प्लस वाली कैटेगरी में जाना है। प्लस वाली कैटेगरी में जाने के बाद आपको नीट सेलेक्ट करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है भाई, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर आप क्रैश कोर्स के लिए ले रहे हैं एडमिशन। अगर आप क्लास 11th में है तो आपको 12th में आना है अभी, है ना, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन। सिंपल कोड सेम रहेगा, सचिन लाइव, राइट जी। सो मैं हमेशा ही कहता हूं सपने सच करने हैं तो सचिन लाइव कोड यूज कीजिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए, राइट। 10% ऑफ मिलेगा, सभी एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिला है, ऐसा नहीं कि आप मेरे बैचेस अटेंड करेंगे, सभी एनी ऑफ द बेस्ट अवेलेबल एजुकेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट जी। चलिए फिर शुरू करें जी वार्म विशेस के साथ, राइट, बिल्कुल देवप्रिया आपने सही कहा है। तनु, we have Komal, it is Abhinay, Pallavi, Sadaf, Yukta, Faizan, Animesh, Riyasuddin Chishti, sahi kaha aapne, Swati, Rukhsar, Suman, Vedant, great. अच्छा चलो ठीक है, मेरी तरफ से आपको ढेरों गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूंगा कि आप फुल बटा फुल मार्क्स लेकर के आए इसमें, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जवाब दीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आप जवाब देंगे ना राजा बेटा, ध्यान रखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर लिखना नहीं भूलना है, राइट। चलिए ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच एंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, लाइटेस्ट, वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल, दैट इज शहतूश? इज इट नीलगाय, इज इट चीतल, इज इट कश्मीरी गोट, इज इट चिरू? क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपके सामने, 4 ऑप्शंस, जल्दी से जवाब दीजिए, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे। हां जी जस्करन,
गौरव, निशांत, तनु, गायत्री प्रियदर्शी, हेलो गायत्री, गायत्री हमारे साथ प्लस के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ चुकी हैं, वंडरफुल गायत्री, होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस। क्वेश्चन नंबर जरूर लिख के भेजिए जी, हाँ जी जल्दी से। वन का डी कहा है अर्चना ने, चीरू जवाब दिया है दृष्टि ने, तनु वन का डी, डॉली वन का डी, राइट पुष्पा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर वन आंसर इज डी, ग्रेट। चले बहुत लोगों का सही जवाब गया है, कुछ ने सी भी कहा है, कुछ गड़बड़ी करी है बीच में, ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, मैक्रोफाजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोसाइट्स दे हैव द एबिलिटी टू, मैक्रोफाज जो कि डेवलप होते हैं मोनोसाइट से, उनमें क्या खासियत होती है? दे एक्सप्रेस आई जी एम इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सेल सर्फेस, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन्स टू द टी सेल्स, और दे डिफरेंशिएट इन टू डेंड्राइटिक सेल्स वेन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, मैक्रोफाज मोनोसाइट से बनते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फॉरन पैथोजन को एनगल्फ कर जाते हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का जवाब दीजिए जल्दी से। देवप्रिया, कनीज, रूही प्रवीण, मुकेश, अभिजीता, सादिका, राहुल, टू का सी है, टू का सी आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे, कुछ ने बी भी कहा है, ओके जल्दी से जी। क्वेश्चन नंबर टू, सो नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर टू आंसर इज सी, मैक्रोफाज प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन टू द टी सेल्स। याद कीजिए मैक्रोफाजेस जो होते हैं बेटा, मैंने इम्यून सिस्टम पढ़ाते समय बताया था, मैक्रोफाजेस आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज, दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जैसे मान लीजिए ये एक मैक्रोफाज है ना, एक पर्टिकुलर पैथोजन जो है, सपोज ये ले लिया हमने बैक्टीरिया, इसको ये एनगल्फ कर लेता है ना, और फिर इसे खाके इसका लाइसोसोम जो है उसमें वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैक्रोफाज के अंदर प्रोटीन होता है, आपको याद होगा मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एमएचसी, एमएचसी प्रोटीन इस पैथोजन के टुकड़ों के साथ जुड़ के फिर ये यहां पे एक फ्लैग ऑफ एंटीजन बन जाता है ना, सो दिस मैक्रोफाज कैरिंग द फ्लैग ऑफ एंटीजन इज व्हाट इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर टू, ऑल माई राजा बेटा, निमे सही गया जवाब। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन, क्या ये तीनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं? सेकंड ऑप्शन, क्या ये तीनों खुद प्रोटीन्स हैं? थर्ड ऑप्शन, दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, दे एक्ट एट लोअर पीएच देन 7। क्वेश्चन नंबर थ्री स्क्रीन पे आपके सामने, ये सवंतिका, थोड़ा सा सर्दी हो रखी है मुझे, श्रद्धा, आदित्य, गुलनाज, डॉली आपने सही लिखा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, अजय, रूही, कनीज, रियासुद्दीन, महिमा, विग्नेश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन थ्री का बी मोहम्मद कैफ ने कहा है अभी, कैफ साहब, देवद्रिता, अर्चना, शिवम, राइट जी। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर इज बी, दीज ऑल आर प्रोटीन्स। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अगर पहला ऑप्शन लेते हैं दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, तो गलत है, ये तीनों प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर रहे। रेनिन होता है मिल्क प्रोटीन कैसीन के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लेकिन अमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए, स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए है, तो ये है तीनों एंजाइम्स, तो आप जानते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, इसलिए ये आंसर सही है दैट दीज आर प्रोटीनेशियस। अगर हम देखें दे ऑल आर प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, तो ये गलत है, अमाइलेज जो है पैनक्रियाटिक जूस में है, सलिवरी अमाइलेज एंजाइम सलाइवा में है, लोअर पीएच देन 7, तो वो बात भी गलत हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटिया, वी हैव 393 पीपल, दैट्स रियली वंडरफुल, जल्दी से 400 क्रॉस कराइए, ज्यादा लोगों का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, मजा आएगा, 400 लोगों में आपका जवाब सही आएगा, आपको और ज्यादा खुशी होगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स options, they are endonucleases which cleave DNA at specific sites, they make DNA complementary to an existing DNA or RNA, they cut or join the DNA fragments, or they are required in
दे आर रिक्वायर्ड इन वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बताइए जल्दी से. युक्ता, कीर्ति, सुमन, मेघा, शशिदर्शन, अंजलि कह रही है गलत हो गया, कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम. देवद्रिता ने क्वेश्चन 4 का जवाब दिया है. जल्दी से, 4 का ए आ रहा है जी आंसर. राहुल, वैशाली, गुरप्रीत, आदित्य, ट्विंकल, नुपुर, श्रद्धा, बिल्कुल सही जवाब है जी. राइट, सो दे आर एंडोन्यूक्लियसेस विच क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स. सो मिक्स तरह के क्वेश्चंस करने में नेचुरली आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा. 399, लेट्स मेक इट 400, कम ऑन क्विकली. और प्यारे प्यारे लाइक्स भी आपके आते रहने चाहिए भाई, उससे ना एक एनर्जी लेवल हाई बना रहता है, और जिस चीज को ज्यादा जोश, ज्यादा एनर्जी के साथ करते हैं उसमें ज्यादा मजा आता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपने पिल्स के बारे में पढ़ा है, ओसीपीस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स विच आर फॉर फीमेल्स, राइट. So, उनमें कौन सा हार्मोन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, इज इट थायरोक्सिन, इज इट LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इज इट प्रोजेस्टेरोन, और इज इट FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. वेरी गुड जी, 400 प्लस पीपल, कैन वी हैव 400 लाइक्स ऑल्सो साइड बाय साइड, जल्दी से वो लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आना शुरू हुआ. हाँ जी, 5 का सी शशि दर्शन ने कहा है, बिल्कुल जी शशि. हनीदीप, हनी गुप्ता, सैयद, सुमन, सुधांशु, शकील, हृदयांशु, आदित्य, नैन्सी, कीर्ति, देवद्रिता, 5 का सी कह रहे हैं मेजोरिटी, बिल्कुल सही जवाब है जी, प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन. देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, देयर फॉर फीमेल्स, अलग अलग तरह की पिल्स आती है मार्केट में. There are combined oral pills जिसमें estrogen और progesterone है, and there are progesterone only pills. Progestogen synthetic form of progesterone होता है, pops कहते हैं उसे, mini pill भी कहते हैं. So the pill has to be taken daily starting from 5th day of the cycle till 25th day. 21 दिन तक गोली खानी है, फिर 7 दिन नहीं खानी, फिर 21 दिन गोली खानी है. 28 day pack of pills भी आता है. Pill एक definite time पे लेनी होती है. मान लीजिए पहली बार जब गोलियां खानी शुरू करी है, रात को 10 बजे खाई है, तो आपको वही टाइम मेंटेन करके रखना है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं करना होता. पिल्स बेसिकली करती क्या है, जब आपका स्टेरॉइड लेवल शरीर का ज्यादा होगा, तो जो बॉडी का LH और FSH है, पिट्यूटरी से LH और FSH को सप्रेस करेंगी, ओवुलेशन नहीं होता. मुख्य रूप से पिल्स जो है ओवुलेशन को रोकती हैं, और भी तरह की पिल्स आती हैं मार्केट में. क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस बताना है जी आपको. करेक्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में आपने पढ़ा था, टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं, तो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, तो वही सीक्वेंस आपको करेक्ट बताना है बेटा जी इसमें. क्वेश्चन नंबर 6 है, सेतु, प्रभात, दीपक, शियान, युक्ता, रजनी, अवस्थी, दीपक जायसवाल, शिवानी, नुपुर, मोहम्मद सैफी, थैंक यू मोहम्मद सैफी जी, अभिजीता, सृष्टि, जल्दी से निखिल. क्वेश्चन नंबर 6 का सी आया है आंसर, आदित्य, कमरान, रियासुद्दीन. मेजॉरिटी स्टूडेंट सी कह रहे हैं, देखते हैं सी सही है या नहीं है. स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होते हैं स्पर्मेटोसाइट में. स्पर्मेटोसाइट में भी पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बनती है स्पर्मेटिड, और फिर बन जाते हैं स्पर्म. सो आंसर इज सी, राइट, सिंपल सीक्वेंस है. स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड. अच्छा, यहां पे ना प्रोसेसेस भी याद रख लेना कि भाई जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, राइट, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रक्रिया. जब स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होती है स्पर्म में, स्पर्मेटिड जब कन्वर्ट होती है स्पर्म्स में, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, राइट, स्पर्मटेलियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस. एक प्रक्रिया स्पर्मिएशन भी होता है, आपको याद होना चाहिए. स्पर्मिएशन होता है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बन गए हैं उनका जो हेड है दैट रिमेन्स एम्बेडेड इन द membrane of Sertoli cell. Sertoli cell से जब वो release होते हैं ना sperm, that is called spermiation. Right? Clear है जी? Suman, Devapriya, Ruhi, आगे बढ़े? चलिए जी. Next is, correctly match the column 1 with the column 2. दो columns आपको दिख रहे हैं. इधर कुछ diseases लिखी हैं, disorders हैं. Tetany, osteoporosis, muscular dystrophy, arthritis, myasthenia gravis.
दूसरी तरफ लिखा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा है इनमें से, प्रोग्रेसिव मसल डीजेनरेशन, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप ऑप्शंस देख पाए क्लियरली, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स एंड रैपिड स्पैसम इन मसल्स एंड डिक्रीज्ड बोन मास, इसको इससे मैच कीजिए। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, समय लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्रॉस मैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आई एम सॉरी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, 7 का आंसर अभी तक नहीं आया है जी। हाँ जी मोहम्मद कैफ, आप सही कह रहे हैं, अर्घा, प्रतीक्षा, आयुषी, फिजा, शियान, 7 का सी आया है आंसर मेरे पास, कुछ लोग बी कह रहे हैं, सी ज्यादातर लोग बता रहे हैं, भवानी, कमरान, आयुष, ग्रेट, 7 का सी कह रहे हैं जी, राहुल ने भी कहा है, पारस ने भी, गुलनाज ने, चलो देखते हैं बेटा 7 का सी है या नहीं। आपने कहा सी, तो सी में हो रहा है कि 1 को 4 के साथ टेटनी को रैपिड स्पैज़म इन द मसल्स, टेटनी मतलब मसल्स में ऐंठन हो जाना, कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, 2 का 5 के साथ जोड़ा है आपने, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो है डिक्रीज्ड बोन मास, हड्डियों से रिलेटेड समस्या ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, हार्मोन्स का इंबैलेंस होने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। 3 का आपने कहा 2, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज प्रोग्रेसिव मसल डीजेनरेशन, ये बात भी ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है डीएमडी। 4 का 3, दैट इज आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट्स, ऑब्वियसली फिर मायस्थीनिया ग्रेविस जो है दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी है, गुड स्कोरिंग है ना। इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको आए तो मजा आ जाएगा जी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ साइनैप्स इज ड्यू टू, साइनैप्स होता है जंक्शनल रीजन बिटवीन टू सेल्स, दो न्यूरॉन्स हो सकते हैं या नॉन न्यूरॉन्स भी हो सकता है, एक न्यूरॉन दूसरा मसल भी हो सकता है, सो मान लेते हैं जी ये एक एक्सॉन का एंड रीजन है, यहां से नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट्स शुरू हो रही हैं, सो इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट, सो एक्सॉन एंडिंग और इस तरफ शुरू हो रहा है डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पे रिलीज होता है, याद होगा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन। चलिए सो आप बताएंगे कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्यों है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया है, डी आंसर आ रहा है, वी हैव जहराबी, हिलजी, शियान, सिमरन, आदित्य, कीर्ति, बहुत लोग हैं, इन सबके नाम एकदम से सीक्वेंस में पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है, जो लोग चैट पे एक्टिव हैं वो देख पा रहे होंगे दैट वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, सो आपने आंसर मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का डी, सो लेट मी सी, डी सेज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय द एक्सॉन एंडिंग एंड नॉट बाय द डेंड्राइट, एक्सॉन एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। क्वेश्चन एक बार ना ये भी पूछा हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स कहां होते हैं, सो बेटा ध्यान रखना जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये वाली मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी ना साइनेप्स के बाद वाली, तो यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स यहां पे पाए जाते हैं, एसिटाइल कोलीन अपना काम करने के बाद एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनस्टीरेज जो एसिटाइल कोलीन को ब्रेक कर देता है एसिटिक एसिड में एंड कोलीन में, राइट, और कोलीन और एसिटिक एसिड को मिला के फिर से एसिटाइल कोलीन बनाने वाला एंजाइम होता है CAT, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफीरेस, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी सही गया आपका मेजॉरिटी, पुष्पा, खान, बलदेव, सदफ, डॉली, मानसिंह, मनोज, कनीज, गायत्री, कमरान सैफी, रूही, शियान, लकी, प्रतीक, अक्षय। चले जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, Choose the combination of statements that are correct for the cerebrum of the human brain. Cerebrum, brain का जो part है, brain को हमने तीन हिस्सों में बांटा था, forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain में cerebrum है, diencephalon है, olfactory lobes हैं. Midbrain में optic lobes हैं, crura cerebri, right? और उसके बाद हाइंड ब्रेन जिसमें medulla pons and cerebellum. So आपको cerebrum के बारे में सही बातें चुननी हैं. It is the largest part of brain. It controls pituitary hormone secretion. It is involved in maintaining balance and equilibrium. It receives and processes the sensory information. उसके बाद options यहाँ पे हैं. P and Q statement सही है, या फिर Q and R सही है, P and S सही है, या Q and S सही है. Question number 9. बताइए जी. 9 का C दे रहे हैं बच्चे जवाब. देवरिता, प्रियांशु,
जियान, जोवॉय, नव्या, विकास, रजनी, सादफ, निमय, शालिनी, वैशाली, निधि, तनु, नुपुर, हार्दिक, प्रेरणा, खिलजी। बिल्कुल जी, सही जवाब दे रहे हैं आप। आपने कहा 9 का आंसर इज सी, सो सी ऑप्शन में पी एंड एस, यानी पी एंड एस स्टेटमेंट सही है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन, ये गलत है, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, है ना। इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये गलत है, वो काम सेरिबेलम का होता है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ये वाली बात सही है। सो पी एंड एस स्टेटमेंट सही है, यानी सी। सो 9 का आंसर हुआ सी, करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 24 आवर्स इन ह्यूमन किडनीज, आप जानते हैं किडनीज में जो है लगातार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, 1 million नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनी, एंड व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, अमाउंट ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज इन 1 मिनट। तो 1 मिनट का हमें पता है, 24 घंटे का कितना होगा देख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने, आदित्य, सुमित, जिफ्रा, भवानी, रियासुद्दीन चिश्ती, कनीज, अमन, धीरज, नैन्सी, अवंतिका, तनवी, गुलनाज, हार्दिक, सचदेवा, अभिनीता, बताइए जी। 10 का डी 1.8, कुछ बच्चे 1.8 लीटर लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत है जी, 180 लीटर्स के करीब हो जाता है 24 घंटे में, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आपको पता होना चाहिए था, 120 से 125 ml पर मिनट है, 24 घंटे का आप निकालेंगे सो इट विल बी नियरली 180 लीटर्स। लेकिन इसमें से सारे के सारा यूरिन तो नहीं बन जाता, आप जानते हैं कि जैसे जैसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो है दैट फ्लोज थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, majority of the things they are reabsorbed, right? Glomerular filtration rate जो है, amount of nephric filtrate, I'll write here glomerular filtration rate, GFR, GFR होता है amount of nephric filtrate formed by all nephrons of both kidneys in 1 minute. एक मिनट का हमें पता है 120 से 125 ml वेरी करता है, सो 24 घंटे का आप निकाल सकते हैं, क्लियर है जी। लेकिन इसमें से जो यूरिन पास आउट होता है, यूरिन जो है वो 1 से 1.5 लीटर होता है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक दिन में यूरिन जो पास आउट करता है, यूरिन इज 1 to 1.5 liters पर डे। यूरिन का कलर येलोइश है यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण, राइट जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, टू हॉर्मोन्स दैट इज ए एंड बी, अब वो नाम आपको भरने होंगे आगे, सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, बनते ये हाइपोथैलेमस में है, कोई दो हॉर्मोन का नाम है, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू सी एंड डी, एक हॉर्मोन सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक हॉर्मोन ट्रांसपोर्ट डी के थ्रू हो रहा है, रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि क्या है, ध्यान से ऑप्शंस पढ़ लीजिए, तब तक थोड़ा क्लू देता हूं आपको, ये रहा हाइपोथैलेमस एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन खुद नहीं बनाती है, आप जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स स्टोर्ड होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जो कि बनते हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा है, मान लिया ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, ये इसमें ला करके एंड कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं, कुछ लोग ए, ज्यादातर लोग ए कहे जा रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िए, आप आंसर गलत दे रहे हैं, बी कहा है किसी ने, आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, ए एंड बी दो हॉर्मोन्स लेने, सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टेड टू पिट्यूटरी थ्रू सी एंड डी, दो ऑप्शंस दे रहे हैं ना, सो आप उस हिसाब से देखिए, एक हॉर्मोन ऐसा है जो एक्सॉन्स के थ्रू आ रहा है, और एक हॉर्मोन ऐसा है जो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आ रहा है, जो यहां पे बनेंगे इधर वाले, ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आएंगे, ध्यान दीजिए, बहुत लोगों ने गलत दिया जवाब, नो, आई एम नॉट हैप्पी, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, मिस्टेक कर रहे हैं आप, आंसर विल बी बी, कीर्ति भारद्वाज ने सही कहा है, सब बच्चों ने ऑक्सीटोसिन एडीएच, ऑक्सीटोसिन एडीएच कर दिया, पोर्टल सर्कुलेशन डायरेक्ट रिलीज, नहीं ये ऑक्सीटोसिन एडीएच नहीं है, ए के लिए होगा एडीएच, ये वाला जो है दिस इज ए डी एच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सेकेंड इज टी एस एच आर एच, यानी हाइपोथैलेमस का ये फैक्टर, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग
हार्मोन. सो दिस इज TSHRH. बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्टर टू पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू सी. तो सी यहां पे हो जाएगा एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एक्सॉन्स के थ्रू, राइट. दैट मींस ADH एक्सॉन्स के थ्रू एंड डी पोर्टल सर्कुलेशन. यानी ये TSHRH जो है ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन जो है उसका जिक्र हो रहा है. क्लियर हुआ है जी आपको अब कि बी आंसर क्यों है. आप में से ज्यादातर लोगों ने बस वो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन आंसर लगा दिया है. बताइए रॉन्ग हो गया ना नैन्सी, राइट. इसीलिए जल्दबाजी में मुझे पता था गलत करेंगे. रवि रंजन, बुशरा, मान सिंह, सुमन, सदफ, बताइए अभी तक मजा आ रहा है जी आपको क्वेश्चंस में. ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को समझ आ गया है. जल्दी से मुझे कमेंट्स में अपना थम्स अप साइन, अपने फ्लावर्स भेज दीजिए. हाँ जी, माइक क्लियर नहीं हो रहा है आपको? ओके, चलिए अब क्लियर है जी वॉइस. हाँ जी फैजान, मैंने देख लिया आपका मैसेज, पढ़ लिया. इज इट क्लियर? कैन वी प्रोसीड? निमय, निशांत, रूही, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं. हाँ अब समझ आया कि गलत हो गया था. रूही प्रवीण, गलत हुआ ना. अक्षय, इज इट क्लियर राइट नाउ? चलिए ठीक है आगे बढ़े फिर. ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 12. मैच द हॉर्मोन्स. ये भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. ग्रुप वन विद द ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग देम ग्रुप टू. आसान है, थोड़ा सा लंबा जरूर बनाया गया बट इट्स एन इजी क्वेश्चन. इस तरफ हॉर्मोन्स की लिस्ट दी गई है पी क्यू आर एस टी यू. हॉर्मोन्स ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, ईस्ट्रोजन, एपिनेफ्रीन, टेस्टोस्टेरोन. सामने की तरफ ग्लैंड्स दी गई हैं जो उन्हें प्रोड्यूस कर रही हैं. ओवरी, पिट्यूटरी, टेस्टीज, पैनक्रियास, थायराइड, पाइनियल, एड्रीनल, राइट. सो क्रॉस मैच करके इसमें से कॉम्बिनेशन ढूंढिए कौन सा है. ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन कहां से आ रहा है, राइट. तो करिए रिलेट जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आपके सामने. जिफ्रा, शुभपाल, यश, आसिफ शेख, 12 का आंसर बताइए जी. डॉक्टर निमे ने डी कहा है. निमे ध्यान से देखो. देवद्रता, पल्लवी ने सी कहा है. आयुष, तनु कौशल, वैशाली, शोभा, खिलजी, राइट. 12 का द करेक्ट आंसर इज सी माय राजा बेटा. 12 का करेक्ट आंसर इज सी. मैं अभी क्रॉस मैच करके दिखाता हूं. वी हैव 462 लाइक्स, लेट्स मेक इट 500. कम ऑन क्विकली, जल्दी से टारगेट रखिए 500 लाइक्स का. आप जैसे प्यारे प्यारे ऑडियंस हो और इतना बेहतरीन क्विज चल रहा हो सो फिर लाइक्स में कंजूसी नहीं. सो मैचिंग है जी पी का बी के साथ. ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी से रिलीज होता है, सिंथेसाइज तो नहीं होता पिट्यूटरी में, बनता तो हाइपोथैलेमस में. ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क लेटडाउन फैक्टर. देन क्यू इज विद डी, दैट इज इंसुलिन जो है पैनक्रियास से आ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. पैनक्रियास में अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं, पी सेल्स हैं. देन आर इज विद ई, दैट इज कैल्सिटोनिन इज विद थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड में चीफ सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं. चीफ सेल्स तो T3 एंड T4 सिक्रीट करते हैं, ट्राईआयडोथायरोनिन, टेट्राआयडोथायरोनिन. टेट्राआयडोथायरोनिन को T4 या थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है जी. नाउ और पैराफॉलिकुलर सेल्स जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं जो कैल्शियम का लेवल रेगुलेट करता है. एस इज विद ए, ईस्ट्रोजन का मैच हो रहा है विद ओवरी. ओवरीज जो है वो मिक्स्ड टिश्यू है, हार्मोन भी बनाते हैं और गैमेट्स भी बनाते हैं. टी इज विद एफ, दैट मींस एपिनेफ्रीन, इट इज रिलीज बाय एड्रीनल. एड्रीनल ग्लैंड जो है इसका कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला रीजन है. एड्रीनल मेडुला जो है वो एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन बनाता है. एपिनेफ्रीन को एड्रीनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन को नॉर एड्रीनलिन. अब हमारे पास बच गया है जी नेक्स्ट यू इज विद ई, दैट इज टेस्टो सॉरी U is matching with, it has to be with C. हाँ बिल्कुल, U is with C. Testosterone is with testes. Clear है? Right? बड़े आगे? मजेदार है? Right जी? Okay जी. Question number 13. चलिए circulatory system से है. Which arrangement correctly identifies, पढ़ लीजिए आप आराम से. Which arrangement correctly identifies the type of blood? The type of blood which the four chambers of the heart collect and pump. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Bataiye ji. Question number 13 easy hai ye to.
क्वेश्चन नंबर 13, आंसर जल्दी से आना चाहिए। ओमकार, कनीज, रुखसार, महेश, आयुष, यश वर्मा, रुखसार, विधि, ऐसा ही पेपर आ जाए तो कितना मजा आ जाए। आई एम डैम श्योर कि टॉप 100 में रैंक होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर सी, आदित्य ने, शियान ने, गिरीश ने, अपर्णा ने, सैयद ने, डॉली, नीरज, सी जवाब दिया है जी। ओके, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, हार्ट के लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बिल्कुल सही जवाब, राइट। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लंग्स की तरफ भेजा जाता है, पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं वो लेकर के जाती हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेट कराती हैं लंग्स से, फिर टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, नाम वेन है पल्मोनरी वेन, ब्लड ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है, वो लेफ्ट एट्रियम में लाती हैं ब्लड और वहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इजी है जी, क्वेश्चन नंबर 13 भी राइट। रोहन शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू, इनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी या फिर टाइडल वॉल्यूम। ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज से क्वेश्चन है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से। गुलनाज, अनिल, सुमन, रविरंजन, सुफिया, नैन्सी, रूही, युक्ता, शियान, बताइए जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आपके सामने, इजी है क्वेश्चन। गायत्री कह रही है ऐसा पेपर आएगा तो हम नाचेंगे। पेपर बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं बेटा। लेकिन होता क्या है कि वो जो माहौल होता है ना, जब उन 3 घंटों में इतनी स्ट्रेस्ड कंडीशन में परफॉर्मेंस एंजाइटी के साथ आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो जो चीज आती भी है ना उसके गलत होने की संभावना हो जाती है। वो एक घबराहट, वो एक डर, वो खौफ, वो समय का डर। यहाँ पे समय का डर नहीं है, है ना, कूल वे में हम आराम से जवाब दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन फ्री एनवायरमेंट सा महसूस हो रहा है, वहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं बच्चों से। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर डी है राजा बेटा, टाइडल वॉल्यूम, राइट जी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज IRV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज ERV, वाइटल कैपेसिटी यानी VC, टाइडल वॉल्यूम यानी TV। टाइडल वॉल्यूम होता है कि जब आप एक बार सांस लेते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर विच एंटर्स इन टू योर लंग्स and the amount of air which is expired out, the volume of air breathed in or breathed out per breath, tidal volume है। 500 ml के करीब हवा हम अंदर ले जाते हैं, 500 ml ही बाहर निकलती है, पूरी की पूरी 500 ml आपके alveoli तक नहीं पहुंच पाती है, लगभग 150 ml of air remains trapped in your tracheobronchial tree, anatomical dead space जिसे कहते हैं। तो 350 ml यानी 500 में से 150 माइनस कर दीजिए, 350 ml of air जो है वो आपके लंग्स के alveoli तक पहुंचती है। ओके जी, राइट। क्वेश्चन 14 क्लियर है राजा बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। नैन्सी, बिलाल, दीपक, सैयद, वाहिद, धीरज, फैजान, महक, सदफ, युक्ता, रूही, मनीष, जावेद, शियान, कनीज, निमय, शिवम, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे, सो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। पहले आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। नॉर्मल एक्सहेलेशन ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, इन्वॉल्विंग इंटेंसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपिरेशन। पैसिव एक्सहेलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इलास्टिक रिकॉइल ऑफ चेस्ट वॉल एंड द लंग्स। एयर फ्लो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमोस्फेरिक एयर। During normal breathing, pressure between the two pleural layers is subatmospheric and the surface tension of the alveolar fluid facilitates inhalation. बताइए जी, question number 15 आसान है। Question number 15, C कह रहे हैं देवद्रिता, किसी ने D कहा है, किसी ने A कहा है, ध्यान दीजिए। जागृति, जगजीत, रिंकी, आदित्य, रूही, आलोक, शिवम, शिवानी, गड़बड़ कर रहे हैं बहुत लोग, आंसर। हाँ जी, अभी तक सही जवाब नहीं आया है। इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, जरा उठा करके देखिए पिछले सालों के पेपर, आप लोग डिजाइन नहीं करते हैं जो आप डिसाइड करेंगे कि बड़ा है तो नहीं आएगा, छोटा है तो आ जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बी है, बी दैट इज Q R and S स्टेटमेंट। एक्सहेलेशन जो है क्वाइट ब्रीदिंग में, इट इज नॉट एक्टिव प्रोसेस, इट इज अ पैसिव प्रोसेस।
ये वाली बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी क्यू आर एस स्टेटमेंट्स सही हैं, जो लास्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। एल्वियोलर फ्लूइड का जो है सरफेस टेंशन कम करने के लिए, याद कीजिए टाइप टू सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस लेसिथिन डायपाल्मिटॉल फॉस्फेटिडाइल कोलीन, इट्स नॉट गोइंग टू फैसिलिटेट द इनहेलेशन, सरफेस टेंशन मिनिमाइज होना चाहिए बल्कि, राइट क्लियर है जी। चलिए सो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 15 के 15 क्वेश्चन सही हैं, क्या हम उन लोगों के नाम जान सकते हैं जिनके 15 में से 15 क्वेश्चंस एकदम सही गए हैं? बताइए जी कौन कौन है वो राजा बेटा। आई एम वेटिंग गायत्री, ईमानदारी से बताएंगे सब, शिया, दीपक, युक्ता, जिफ्रा, साथ के साथ देख लीजिए क्लास 11th का हम आपको टॉपिक्स कराते हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को, बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टाइमिंग्स रहते हैं 4, 5 एंड 6। हाँ जी, शिवम, विश्वकर्मा, अनीता, युक्ता, श्रद्धा, शिवम आप मेरा नाम पूछ रहे थे, डॉक्टर सचिन कपूर मैंने लेक्चर के बिगिनिंग में बताया है, हर लेक्चर के बिगिनिंग में लिखा है। हाँ जी, रियासुद्दीन चिश्ती जी, 2 गलत हुए हैं नैन्सी के, 13 करेक्ट गए हैं शियान के, ग्रेड 14 करेक्ट है अविन के, निशु, कमल, गायत्री, वी हैव अलोक, ओके ग्रेड 15 करेक्ट है सोनिया, 14 करेक्ट रियासुद्दीन, वंडरफुल, बहुत अच्छा रहा है अगर आपका परफॉर्मेंस इस तरह से रहा, आई एम रियली हैप्पी, दैट्स रियली नाइस। चलिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो लोग प्लस पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लस पे जुड़ने के लिए ये बेहतरीन कोड यूज जरूर कीजिएगा, सचिन लाइव, सचिन लाइव कोड यूज करने पे आपको 10% ऑफ तो मिलता ही है फीस में, और आप किसी भी और एजुकेटर के लेक्चर भी अटेंड करते हैं, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं आप अश्विनी सर से भी पढ़ेंगे, महेंद्र सर से भी, बाकी भी जितने बेहतरीन ऑल इंडिया एजुकेटर्स हैं, नीट के इस प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर कीजिए, नीट का प्लेटफॉर्म, प्लस का प्लेटफॉर्म, आपको मजा आएगा ये जानकर के कि बहुत बेहतरीन लेक्चर्स अवेलेबल हैं वहां पे। चलिए अब सुन लीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, आपसे 4 बजे में फिर मिल रहा हूं, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करेंगे यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स का डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हमने कर लिया था, आज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, राइट जी, 4 बजे। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग के लिए अनअकैडमी जेईई, फाउंडेशन क्लास 9th and 10th के लिए अनअकैडमी फाउंडेशन, सो लेट्स क्रैक इट, एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने पर ही आपको इस तरह के बेहतरीन क्विजेज एंड ये जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करा है इसमें पार्टिसिपेट करने का, लाइव पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आप तक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पहुंचेंगे, जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको इस हैशटैग के साथ आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, #NeetLifeDaily, और आप अपने एजुकेटर को इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं, सिंपली आप मुझे ढूंढ सकते हैं sachin.kapoor KAPUR, नमोकॉल सर भी हैं इंस्टाग्राम पे, सिंपली नमोकॉल, अश्विनी त्यागी सर हैं, महेंद्र सर हैं, सो सोशल मीडिया पे #NeetLifeDaily के साथ आप हमारे लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं जी, नमस्कार रूही, कनीज, महक, राजेश, बाय बाय उमर फारूक, गायत्री, ग्रेट जी, बढ़िया है, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय गायत्री।